हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हाउ यू आर डूइंग? देखिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को। देखिए, बहुत ज़रूरी बात आपको बताएं, इससे पहले हमारी वीडियोस जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की थी उनमें हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यदि आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात आपको बताएं कि जो भी डाउट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा टेलीस्कोप के बारे में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। टेलीस्कोप की प्लेलिस्ट है ना, रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, सारी वीडियोज़ आपको सिक्वेंस में मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, बहुत ज़रूरी बात आपको बताएं कि इस वीडियो में आप ध्यान देंगे रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग वर्ड पर, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किया है, आज इस वीडियो में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, यदि आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या होता है, तो इससे पहली वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर इसको डिस्कस करते हैं, है ना, ताकि आपको जो भी डाउट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाई रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ा है, जिसमें से क्या होते हैं भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। इसके साथ साथ गैलीलियन टेलीस्कोप, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे किसके टाइप हैं? ये रिफ्रैक्टिंग टाइप के हैं, है ना। क्योंकि आप जानते हो, अगर हम बात करते हैं आपसे कि ये बताओ, ये आपके पास लेंस है और ये आपके पास मिरर है, ठीक है, तो ये बताना आपकी रिफ्रैक्शन किस में से होगा, रिफ्लेक्शन किस में से होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई रिफ्रैक्शन लेंस में से होगा और रिफ्लेक्शन मिरर में से होगा, ठीक है ना। तो ये आप इतना जानते हो कि भाई रिफ्रैक्शन किस में से होगा, लेंस में से। तो ये जो लेंस, ये जो आप देख रहे हो, ये तीनों के तीनों जो टेलीस्कोप हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर लेंस यूज होता है। क्या होता है? लेंस, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, लेंस का मतलब क्या है, इनमें पूरा का पूरा जो यूज होता है, जो मीडियम है वो लेंस यूज होगा, ठीक है ना, कहीं पर भी जो हमारा मिरर नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोलोगे भाई वो टेलीस्कोप जिनमें जो जो मेन फोकसिंग काम होता है, जो मेन वर्क होता है, वो लेंस करते हैं, ठीक है ना। लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम कौन करेगा? लेंस करेगा, ठीक है ना। तो वो टेलीस्कोप क्या होंगे? वो टेलीस्कोप हमारे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होंगे, जिनके ये तीन टाइप हमने डिस्कस किए हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, किसकी? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और आपको सभी डाउट्स वगैरह जो है ना खत्म हो जाएंगे आपके। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कौन से होंगे? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और एक और हमें पढ़ने को मिलेगा कैसेग्रेनियन ने बनाया था इसको, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या नाम दिया, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, ठीक है ना। एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन है न्यूटोनियन टेलीस्कोप का, आपको सारी बातें क्लियर होंगी अभी, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप के टेलीस्कोप हैं, जिनमें जो मेन फंक्शनिंग है ना, वो किसकी है? वो मिरर की है। किसकी है? मिरर की है, ठीक है ना। ये मेन फंक्शनिंग किसकी है? मिरर की है। बाकी इसमें लेंस यूज होता है क्या? इसमें लेंस यूज होता है, लेकिन आईपीस के लिए। केवल हमारी आंखों के बाहर जो लेंस यूज होता है, वो लेंस जरूर हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। बाकी ये जो मेन फोकसिंग वाला काम होता है, वो किसका होता है? मिरर का होता है, ठीक है ना। तो मिरर का करते हैं, मतलब मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखो एक चीज और, क्यों जरूरत पड़ी हमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की? क्या हमारा इससे मन नहीं भर रहा था क्या, है ना? क्या हमारा इससे मन नहीं भर रहा था क्या? देन हमारा आंसर है कि भाई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि हमारे सामने सब कुछ परफेक्ट होता रहता, अगर हमारे सामने सब कुछ बढ़िया हो रहा है, हमें उसमें किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन की जरूरत दिखाई नहीं दे रही, तो हम क्यों रिफ्रैक्टिंग को रिफ्लेक्टिंग में कन्वर्ट करेंगे, है ना। इस टाइम में हम कुछ और भी तो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या थी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बहुत अच्छा विजन दे रहे थे, है ना, बहुत अच्छा विजन दे रहे थे, मैग्निफिकेशन अच्छी थी, रेजोल्यूशन अच्छा था, लेकिन कुछ उसमें डिफेक्ट्स, या फिर हम बोलें कुछ लिमिटेशंस उसकी हैं। क्या लिमिटेशन है? कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम जानते हैं भाई लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका? लेंस का, ठीक है ना। अब जब लाइट रेज लेंस से पास होती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को हम एक्चुअली प्रॉब्लम्स ना बोलते हुए उनका जो है ना नाम रख देते हैं एबरेशन। क्या? एबरेशन। एबरेशन का एक्चुअल जो मीनिंग होता है, वो होता है पाथ से भटकना, डेविएट होना पाथ से, है ना, एबरेशन, ठीक है ना। एबरेशन का मतलब पाथ से भटकना, मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, या फिर किसी तरह की जो है ना प्रॉब्लम आ जाना, रुकावट, है ना, किसी तरह की रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक। तो सुनो, रेजिस्टेंस ना आप बोले, आप ऐसा बोले किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाना, रास्ते से भटकना, कोई कमी आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है पहले वाले, उनमें कुछ एबरेशन आ रही थी, जिनमें से हम बोल सकते हैं कि भाई एक एबरेशन है, एक जो प्रॉब्लम है वो है क्रोमेटिक एबरेशन। क्या? क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है ना। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही थी,
जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी आपकी स्फेरिकल क्या, हाँ जी, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी आपकी, स्फेरिकल एबरेशन। ये स्फेरिकल एबरेशन ये थोड़ी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, बाकी हमें क्रोमेटिक से इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। क्योंकि आप खुद देखो, अगर हम आपसे ऐसा बोलें भाई अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग की, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या यूज़ होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में होते हैं लेंस यूज़, ठीक है। तो मान लो कि भाई लाइट अगर यहाँ से आ रही है, लाइट ये आई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और लाइट ये आई, तो जब लाइट यहाँ से आ रही है और ये लाइट जब यहाँ से आई, तो आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ना लेंस का, ये वाला जो पोर्शन है लेंस का, ये किसकी तरह करेगा, ये प्रिज्म की तरह करेगा, किसकी तरह, प्रिज्म की तरह। और जब ये वाला जो अपर पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब प्रिज्म की तरह करेगा, तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म एक लाइट रे को डिस्पर्स कर देता है, क्या कर देता है, यहाँ पर डिस्पर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा तो हमें जो इमेज होगी वो कुछ कुछ कलर्ड इमेज दिखाई देगी। मान लो कि यहाँ से लाइट आ रही है वो अपनी सही इमेज बना रही है, लेकिन यहाँ से जो लाइट आ रही है वो हमारे कलर में डिस्पर्स हो जा रही है, क्या हो रही है, कलर में डिस्पर्स हो जा रही है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो जो एजेस होंगी किसी लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की जो एजेस हैं, वो किस तरह से एक्ट करेंगी, वो एक्ट करेंगी, बिहेव करेंगी एक प्रिज्म की तरह, और प्रिज्म लाइट को डिस्पर्स करा देता है। डिस्पर्जन के कारण से क्या होगा, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाएगी कुछ कलर्स में, और जिसके कारण से हमें यहाँ पर कुछ कलर बिखरते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, है ना, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। जैसे मान लो अगर आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हो, तो वहां पर एक जो है ना एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमा की, है ना। क्रोमा की का मतलब क्या है, वो कलर के साथ डील करेगी, ठीक है। तो क्रोमा का मतलब क्या है, क्रोमा का मतलब है कलर, ठीक है। तो यहां पर कलर्स में कुछ डेविएशन हो रहा है ना, एक फिक्स कलर हमें नहीं मिल रहा है एकदम ब्राइट, ठीक है। क्या हो रहा है, कलर्स बिखर जा रहे हैं, और उसको हमने बोला है क्रोमेटिक एबरेशन। क्या बोला है, क्रोमेटिक एबरेशन। तो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, क्रोमेटिक एबरेशन, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी, ठीक है। दूसरी चीज एक होता है अपना स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन मेनली आप इसके स्फेरिकल एबरेशन है जो हमारे लेंस की ज्योमेट्री है, है ना, जो हमारा लेंस का शेप है उसके कारण से ये एबरेशन होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कि भाई एबरेशन ड्यू टू द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ लेंस, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट इस तरह से आई, लाइट इस तरह से आ रही है, लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे आ रही हैं, ये लाइट रे आ रही हैं, ठीक है। तो लेंस क्या करता है भाई, इसका शेप जो है ना थोरोली अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना, अगर आप ऐसा बोलो कि भाई यहाँ पर वाइड है, यहाँ पे जो है ना ये एज बंदी चली जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई लेंस जो है लाइट को यहाँ से अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये इसने यहाँ पे फोकस कर दी, जबकि इसके दूसरे पार्ट के कारण से, जैसे मान लो अगर यहाँ से लाइट आ रही है और ये इसने इसको यहाँ पे फोकस कर दी, यहाँ पे, ठीक है ना, ये लाइट रे आई और उसने जो है ना इसको यहाँ फोकस कर दी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इससे काफ़ी सारी लाइट रे आ रही हैं, काफ़ी सारी लाइट रे आ रही हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लाइट रे तो यहाँ फोकस हो गई और कुछ लाइट रे जा करके यहाँ फोकस हो रही हैं, यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ लाइट रे यहाँ फोकस हो रही हैं, कुछ लाइट रे यहाँ फोकस हो रही हैं, और अगर बहुत दूर बहुत ज़्यादा गैप नहीं आ रहा है तो इतना गैप जरूर आ रहा है कि कुछ लाइट रे आकर के यहाँ फोकस हो गई इस तरह से यहाँ पर, और कुछ लाइट रे आकर के यहाँ पे फोकस हो गई यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो ये गैप आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइट जो है ना एक पॉइंट पर फोकस होगी, एक पॉइंट पर यदि फोकस होगी तो क्या होगा कि आप खुद ही सोचो कि भाई लाइट जो है ना उसको क्लोज कर दिया जाए, है ना, उसको क्लोज कर दिया जाए, एक पॉइंट पर फोकस करें तो लाइट इंटेंस होगी, इमेज हमारी इंटेंस बनेगी, एकदम ब्राइट इमेज, एकदम शार्प इमेज। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपने लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो पहली चीज तो क्या होगी कि हमें जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, वो एकदम डल इमेज बनेगी, ठीक है ना। जितनी ब्राइट बननी चाहिए उतनी नहीं बनेगी, जबकि दो पॉइंट पर फोकस हो रहा है तो हमें कई बार दो दो इमेज देखने को मिल जाएंगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स किस में आ रही थी, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आ रही थी, ठीक है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए, क्या किया गया, मतलब एक ऐसा टेलीस्कोप बनाया जाए, या फिर एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, या एक ऐसा अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए फिर महान व्यक्ति जो है ना दुनिया पे, जब अधर्म का पारा बढ़ता है तो क्या होता है कि भाई धर्म का कोई रक्षक आता है, और वो रक्षक कौन है, वो रक्षक फिजिक्स के अंदर न्यूटन श्री हैं। कौन है, न्यूटन, ठीक है ना। तो क्या होता है कि न्यूटन ने
दिमाग लगाया है ना कि जब जब रिफ्रैक्शन होगा, देखो अगर हम आपसे ऐसा बोले कि लाइट जो है ना डिस्पर्स हो रही है, डिस्पर्स लाइट बिखर कब रही है, लाइट बिखर रही है जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। लाइट की इंटेंसिटी कम कब हो रही है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। स्पीड कम कब हो रही है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों, मीडियम में जाएगी, मीडियम चेंज करेगी तो स्पीड कम होगी। और ये सारे फैक्ट जो जो है ना, आप ऐसा बोलोगे ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन में हो रही हैं। बोला रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं होता, जितनी लाइट आएगी, जितनी लाइट आएगी वो उसका क्या होगा भाई, 90% 95% भले ही जो इमेज है ना वो थोड़ी सी ओरिजिनल इंटेंसिटी थोड़ी सी वीक बनेगी, लेकिन क्या होगा, लेकिन बनेगी एक ही जगह पे, किसी तरह का कलर नहीं बिखरेगा। क्यों, रिफ्लेक्शन में आपने कोई डिस्पर्जन पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा ना, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे भाई न्यूटन ने क्या दिमाग लगाया, श्री न्यूटन ने क्या दिमाग लगाया कि हमारी ये टेलीस्कोप वाली जो प्रॉब्लम है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, ठीक। हालांकि जो न्यूटन का जो मॉडल था वो आप ऐसा कह सकते हो कि परफेक्ट नहीं था, ठीक है ना, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है ना। चलिए तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि हेडिंग बना लो आप न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटन ने बनाया था इसलिए न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें डिस्पर्जन वगैरह हो रहा है, लाइट की स्पीड कम हो रही है, इमेजेज जो है ना स्फेरिकल एबरेशन वगैरह सब कुछ किसके कारण से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारा रिफ्रैक्शन कारण से, तो उस रिफ्रैक्शन को ही खत्म कर दो, सारी बातें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, बोला एक पैराबोलिक इस तरह का है, एक पैराबोलिक मिरर लिया उन्होंने, ठीक है ना, ये मिरर आपका कॉनकेव ही है ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, इस तरह से। अगर आप ऐसा बोलो भाई कितना टिल्टेड होता है, तो आप ऐसा मान लो कि ये 45 डिग्री पर टिल्टेड होगा, कैसे, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे, ठीक है ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ देखो तब भी सेम एंगल बनने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इस तरह से, ये क्या है ना, अच्छा देखो अब यहाँ से क्या हुआ, लाइट ऊपर से आई, कहाँ से, ऊपर से, ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ से। अब देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो कि हमने ऐसा बोला कि यहाँ से लाइटें आई, यहाँ से ऊपर का मतलब है जो भी हमारी जो भी प्लेनेट वगैरह है वहां से लाइट आई, ठीक है ना, यहां से इस तरह से लाइट आई, ठीक, ये लाइट आई इस तरह से। और यहां पर न्यूटन ने क्या किया, यहां पर जो है एक मिरर लगा दिया, ये मिरर भी कैसा, ये मिरर भी हमारा, सॉरी, इस मिरर को क्या किया उन्होंने, ऐसा किया, ये लाइट आ रही थी और ये लाइट मुड़ के कहां जाएगी, ये लाइट मुड़ के इस तरह से जाएगी, ये लाइट इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर एक रिफ्लेक्टर के तौर पे एक इस तरह से मिरर लगा दिया, क्या कर दिया, एक प्लेन मिरर लगा दिया, कैसा मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, और इस मिरर को इस तरह से सेट किया, इस तरह से सेट किया, मान लो आप यहां पे एंगल दे सकते हो उसको, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इस रिफ्लेक्टर को इस तरह सेट किया कि इससे लाइट रे जो है ना, इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे इससे लाइट रे ये गई ऊपर और ये ऐसे, ये इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आ जाए, उन्होंने एक आईपीस लगा के रखा नीचे, आईपीस दैट मींस एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के रखा जो कि किसका काम करेगा, आईपीस का। तो यहाँ से क्या होगा ना, जितनी लाइट रे जा रही थी वो सभी की सभी लाइट रे कहाँ गई, यहाँ पर आ गई और सारी की सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस से यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी और यहाँ पर क्या रख दी, यहाँ पर हमारी आईज को सेट कर दिया, तो यहाँ पर जो जो लाइट रे है वो किसी तरह के क्रोमेटिक एबरेशन नहीं देगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और किसी भी तरह का आपका क्या नहीं देगी, स्फेरिकल एबरेशन, दो दो इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो फोकस होता है वो एक होता है, रिफ्लेक्शन में फोकस कैसा होता है, रिफ्लेक्शन में फोकस एक होता है, ठीक है ना, क्या आपको इतनी बात क्लियर हो पा रही है। चलिए जी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ कि भाई इनका जो काम था ना वो ठीक था, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ प्रॉब्लम क्या, कि यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि भाई लाइट का अरेंजमेंट देखो वहाँ से है, जाएगी ऐसे और फिर ये पूरी लाइट बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ इस तरह से नहीं लौटेंगी, और हमारे बैठने का हमारे देखने का अरेंजमेंट भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्यों, रिफ्लेक्टर ऐसे लगाया हुआ है, ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि रिफ्लेक्टर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधी हमारी आंखों में जाए, इस तरह से उसको मुड़ना भी ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कुछ नहीं कर पाया उसके अंदर, अब जो काम किया वो किया कैसेग्रेन ने, किसने किया, कैसेग्रेन, ठीक है, कैसेग्रेन ने जो काम किया वो ये था कि भाई कैसेग्रेन ने जो टेलीस्कोप बनाया इससे हमने उसका नाम दे दिया कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, ठीक है ना।
उन्होंने न्यूटन के टेलीस्कोप में ही मॉडिफिकेशन की। न्यूटन का जो टेलीस्कोप था वो कुछ जैसे मान लो हम ऐसा बोलें कि ये न्यूटन का टेलीस्कोप इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, चलिए ये यहां से ऐसे देखो इसके बाद क्या हुआ, लाइट रे मान लो इस तरह से आएंगी, ये लाइट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, ये लाइट रे आई ऐसे, ये लाइट रे आई ऐसे, ठीक है। अब ये लाइट रे आएगी, उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक कॉनकेव मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया, ठीक है, अच्छा ऐसा बोले या फिर आप ऐसा बोलो कॉन्वेक्स लगा दिया है ना, कॉन्वेक्स लगा दिया है ना, अंदर से पॉलिश्ड है और यहां से ऐसा है, ठीक है ना। देखो तो क्या होगा, उन्होंने इस तरह से मिरर लगा दिया। अब इस तरह से मिरर लगाया तो क्या हुआ, लाइट रे इस तरह से जाएगी, इसमें ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई, ठीक है, और ये लाइट ऐसे गई, ठीक है। अब मान लो ये लाइट जो है ना यहां से ऐसे लौटेंगे इस तरह से, ये लाइट ऐसे लौटेगी, ये ऐसे लौटेगी और ये ऐसे लौटेगी, ठीक है ना। जब ये लाइट ऐसे लौटी तो उन्हें पता था कि उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक होल कर दिया, क्या कर दिया, यहां पर एक होल कर दिया, ठीक है, एक होल कर दिया, दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो होल कर दिया या फिर एक ओपनिंग दे दी, ठीक है। तो ये लाइट रे इस तरह से जो लौट के आ रही हैं, ये डायरेक्ट हमारी कहां पर आईपीस उन्होंने यहां पे सेट कर दिया, कर दिया यहां पे उन्होंने एक आईपीस सेट कर दिया, दैट मीन्स एक आई, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है, जहां से हम देख सकते हैं, ये हमारी आंख हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, बस सिंपल सा इनके ही मॉडल में अरेंजमेंट कर दिया। बुक में हो सकता है आपको डायग्राम इस तरह का मिले कि भाई दो इस तरह के दो मिरर हैं इस तरह के, ठीक है ना, ये मिरर हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह का डायग्राम मिले, ठीक है। और क्या है, ये यहाँ से लाइट रे आ रही हैं, ये लाइट रे आ रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सीधी सीधी लाइन भेजना, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी और डायरेक्ट हमारी ये कॉन्वेक्स लेंस से पास होते हुए हमारी आंखों में जाएगी, है ना, हमारी आंखों में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि भाई कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो है ना किसी तरह के एबरेशन नहीं होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है ना, और ये क्या स्टैंड वगैरह पर आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्लियर है तेरी बात, ठीक है। एक चीज़ और बोलें कि भाई यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है कि यदि एक बात हो, अगर आपने इसमें लेंस में होल कर दिया, सॉरी अगर आपने इस मिरर में होल कर दिया, तो क्या जो लाइट आ रही थी उन लाइट रे जो ज़्यादा आ पा रही थी उसकी कमी नहीं आएगी। देन हमारा आंसर है कि लाइट आ रही थी, अगर हम उसमें बहुत छोटा सा होल कर देंगे तो उसमें कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। लाइट आ रही थी इस पर, अगर आप इसमें से इतना सा होल कर दोगे तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी ये तो लाइट को कन्वर्ज करा के यहाँ भेज ही रहा है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से लाइट इस तरह से आएंगी और ठीक है कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज कराएगा, लेकिन भेज इस तरह से रहे अपन लाइट को कि यहाँ पर आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हमने कैसेग्रेनियन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई हों, यदि क्लियर हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, है ना, कमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता तो पड़ सकेगा कि आपको समझ में आ पाया या नहीं आ पाया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर द टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।